इंटरनेट एक सीरियस जगह है और एक फनी जगह भी है। अगर आप सोशल मीडिया के रेगुलर यूज़र हैं तो आप रानू मंडल के नाम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे, और आपको पता होगा कि कैसे वो पश्चिम बंगाल के एक छोटे से रेलवे स्टेशन से चली गई बॉलीवुड में, और उनको हिमेश सर ने अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया, वो भी एक गाना नहीं बल्कि चार चार गाने। और जब हिमेश सर ने चार चार गाने गाने का मौका दिया, इसके अलावा एक वायरल और फेक खबर ये भी फैली थी कि सलमान खान ने रानू मंडल को ऑफर किया है 55 लाख का घर, और वो जो गाना गा रही है हिमेश सर के अंडर में वो दबंग 3 के लिए है। इस तरह की न जाने कितनी खबरें उड़ी थी, जिसके बाद उन सभी अटकलों पर विराम लग गया जब ये सब खबरें सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई साबित हुई, और ये प्रूफ हो गया कि ये जो गाने थे ये सलमान खान की मेहरबानी से नहीं मिले, हिमेश रेशमिया की मेहरबानी से मिले हैं और हिमेश रेशमिया की ही मूवी के लिए मिले हैं। जिसके बाद जो सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी है वो सलमान खान को ट्रोल करने में बिजी है और हिमेश रेशमिया, और इन दोनों को आपस में भिड़ा रही है और इस तरह की फर्जी खबरें बनाई जा रही हैं। दरअसल में एक ब्रेकिंग न्यूज़ बना दी जाती है मीम टेम्पलेट लेकर ब्रेकिंग न्यूज़ का, और उस पर लिख दिया जाता है कि रानू मंडल को लेकर भिड़े सलमान खान और हिमेश रेशमिया, नीचे लिख दिया जाता है कोने में कि सलमान हिमेश से बोले तो तेरे लिए वो रानू है लेकिन मेरे लिए जानू है। इस तरह की चीज़ें लोग काफ़ी ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। वहीं आपको एक बैनर वो भी दिख जाएगा जिसमें लिखा आता है कि रानू मंडल को हिमेश के साथ देखकर भावुक हुए सलमान खान, हिमेश रेशमिया को दे डाली धमकी। इसके अलावा इस तरह के ना जाने कितने ही फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं और लोग इनके काफ़ी ज़्यादा मज़े भी लूट रहे हैं। लेकिन जो लोग इनको असली समझ रहे हैं उनको ये जानने की ज़रूरत है, या सिर्फ और सिर्फ लोग मज़े के लिए करते हैं और इंटरनेट पर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और ये असली नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे कि अभी 40-45 साल की उम्र के जो लोग होते हैं जो बचपन से इंटरनेट नहीं देखता है लेकिन उनके हाथ में इंटरनेट अभी आया है, तो उनको सही और गलत की बच्चों से कम समझ है। बच्चे समझ जाते हैं कि कौन सी फेक न्यूज़ और कौन सी असली न्यूज़ है, लेकिन जो हमारे अंकल आंटी की उम्र के हैं, मम्मी पापा की उम्र के हैं, वो लोग नहीं समझते और वो हर खबर को असली समझते हैं। जहाँ पर न्यूज़ लिखा हो, एक बार किसी ने कुछ शेयर कर दिया, बस उन लोगों के लिए वो असली खबर हो जाती है। तो खासकर उन लोगों के लिए ये वीडियो है कि इस तरह की बातें असली नहीं होती, असली खबर सिर्फ वो होती हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आती है। खैर, आजकल ऑफिशियल वेबसाइट पर भी फर्जी खबरें आ जाती है, क्योंकि सलमान खान के 55 लाख का घर रानू मंडल को देने वाली बात बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ने दिखाई थी, अपने फेसबुक के पेज पर बाकायदा वेबसाइट्स पर छापी थी। खैर, ये सब बातें बाद में हवा हवाई साबित हुई और मज़े लेने वाले पूरा मज़ा लूट रहे हैं इस बात का। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।